तो चलिए अब बात होगी अयोध्या की खबरों की। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में उत्सव का माहौल है। देश विदेश से प्रभु राम के लिए उपहार आ रहे हैं। श्री राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से चली है भारत यात्रा, तोहफे लेकर पहुंची अयोध्या। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बनाने की हर संभव कोशिशें जारी। कलयुग की अयोध्या में दिखेगी त्रेता युग की झलक। अयोध्या में लगाए जाएंगे रामायण काल में लुप्त हो चुके पेड़ पौधे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए नागपुर से अयोध्या लाई गई है 12,000 किलो की कढ़ाई। भारी भरकम कढ़ाई में बनेगा 7,000 किलो हलवा। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल 14 दिन बाकी हैं। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, भक्तों में भी उत्साह। अयोध्या में नगरी में जोरों से चल रहा है समारोह की तैयारियां। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने साझा किए राम मंदिर की परिसर की नई तस्वीरें। अयोध्या मंदिर के लिए कई देशों से मिल रहा योगदान। कैलिफोर्निया के भक्तों द्वारा दान की गई है एम्बुलेंस, पहुंची है जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। अब वो दिन दूर नहीं जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में सभी दीवारों पर बनाई गई है भगवान श्री राम से जुड़ी तमाम तस्वीरें। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे कई बॉलीवुड सितारे। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह भी आएंगे नजर। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से अयोध्या के राजा राम के लिए भेजे जा रहे हैं उपहार। उपहार में भेजी गई है बांसुरी। श्री राम बजाएंगे बांके बिहारी की बंसी। 22 जनवरी अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को सिक्योरिटी अलर्ट जारी। पुलिस बल और सीसीटीवी से रखी जा रही है पैनी नजर।